बड़वानी जिले के बिजासन में ऑटो के सीट के नीचे छुपाकर जहरीली शराब तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 80 लीटर जहरीली शराब सहित ऑटो जब्त करना बताया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद बिजासन चौकी पुलिस ने चेक पॉइंट लगाकर हाईवे से गुजर रहे तीन पहिया ऑटो रिक्शा को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो ड्राइवर के सीट के नीचे डिक्की में दो अलग अलग खाद की बोरियों के अंदर प्लास्टिक की एक लीटर की रैलियों में लगभग 80 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से महाराष्ट्र के सलाईपाड़ा निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए मशुका का मूल्य 2,16,000 रुपये बताया जा रहा है। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। सर अवैध जहरीली शराब पकड़ाई, क्या मामला है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध जहरीली शराब जो भी तस्करी करते बेचते हैं उसको पकड़ने के बारे में एक अभियान चलाया जा रहा, जिसके आधार पर एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बिजासन मंदिर के सामने एक व्यक्ति ऑटो लेके आ रहा है जिसमें स्प्रिट भरा हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची तो चेकिंग के दौरान उसमें 80 लीटर स्प्रिट जब्त किया गया है और जिसका कुल कीमत ऑटो की कीमत 2,00,000 है और स्प्रिट की 16,000 है। इस प्रकार 2,18,000 मूल्य का मशरूका जब्त किया गया है। इसमें तीन आरोपी गिरफ्तार किया गया है और वाहन मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा और जिसे बेचने वाला है उसको भी पता करके उसको भी गिरफ्तार की जाएगी। सर ये लोग कहाँ से ला रहे थे, स्प्रिट कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी पूछताछ में बता रहे हैं, महाराष्ट्र तरफ का है एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके आधार पर थाना सेंधवा ग्रामीण में 590/21-34-2-49A आपका एक तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी संजय शर्मा और चौकी का बल का सराहनीय योगदान रहा। तो किस प्रकार तस्करी करते थे ऑटो में? ये ऑटो में सवारी बिठा लेते थे और उसके जो जहाँ ड्राइवर सीट रहती है उसके अंदर पन्नियों में भर के रखा था, 80 पन्नियाँ थी जिसमें एक एक लीटर भरा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।